इंडिया के लमसम हर लोग आते हैं, बताते हैं कि आए टेस्ट किए, वो लोग बताते नहीं कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। 300 अलग अलग वैरायटी है जिसमें हांडी मैगी यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस। तो अच्छा लग रहा है, तो नहीं लगता हमको पता। मैगी को आप 4 मिनट कंप्लीट कर दीजिएगा तो मैगी लवर की तरफ से 1100 रुपए आपको इनाम मिलेगा। बहुत लोग यहाँ से जीत के जा चुके हैं। आइए शॉपिंग कीजिए, पैसा घट रहा है, मैगी खाइए, 1100 रुपए ले चले जाइए। इस नवरात्रि के मौके पर अगर आपको जीतना है 1100 रुपए तो आपको खत्म करना होगा 2 मिनट वाली हांडी वाली मैगी है उसको 4 मिनट में टफाचट। नवरात्रि के चौथे दिन सभी लोगों को बिहारी गाइड्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी को ढेर सारा प्यार। मटन, मछली, चिकन सब कुछ खाया और बिहार का आज एक ऐसा जायका हम ट्राई करने वाले हैं जो कि बहुत यूनिक है। और इस नवरात्रि के अवसर पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक स्पेशल 2 मिनट वाली मैगी। आपको लगता होगा कि 2 मिनट की मैगी तो हर जगह है, क्या खास है, लेकिन आज जो खास है देखकर आपको मजा आ जाएगा। अभी हम जहां पर आए हैं इस जगह का नाम है गया, और गया में अभी हम जहां खड़े हैं इस जगह का नाम है डॉक्टर वजीर अली रोड। और हामी टोला के पास आप आएंगे तो आपको मिलने वाला है एक स्पेशल जो है मैगी का पूरा कार्ट, मैगी का कॉर्नर। और भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब पूरे भारत में मतलब मटन, चिकन और मछली का तो जायका आप लेते हैं, अलग अलग वैरायटी लेते हैं, लेकिन 2 मिनट वाली जो मैगी है ना भाई साहब, इतना वैरायटी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, रियली मैं बता रहा हूँ। खैर अंदर चलेंगे, देखेंगे क्या स्पेशल है। डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्टूडेंट से लेकर टीचर तक, सभी लोग फैन हैं इस 2 मिनट वाली मैगी के। तो चलिए चलते हैं और लूटते हैं अपने टेस्ट का लहरिया आप लोगों के साथ। स्टे ट्यून विद द बिहारी गाइस। तो ये देखिए पूरा छोटा सा सेटअप है, एकदम हांडी देखकर आपको लगेगा एकदम मटन वाला वाइब्स आएगा, लेकिन भाई साहब अभी नवरात्रि का समय है तो सिर्फ और सिर्फ वेज हम दिखाएंगे। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है। तो आज क्या खिलाने वाले हैं हमारे दर्शकों को आप? आज आपको खिलाना है बिहार, गया नहीं, बिहार का सबसे फेमस हांडी मैगी। अच्छा, हांडी मैगी? जी जी। अरे भाई साहब मतलब ये हांडी वाला कल्चर कहाँ से आ गया? मतलब ये मटन हमने सुना था, चिकन भी सुना था, अब ये मैगी भी हांडी में तैयार होने लगा। हम लोग कुछ अलग कर रहे थे, देख रहे थे मटन लोग खाते हैं, चिकन हांडी खाते हैं, लेकिन देखे मैगी हांडी ये पूरे बिहार में सबसे यूनिक था, बिहार का पूरे इंडिया में सबसे यूनिक था। तो सोचिए ये कॉन्सेप्ट बिहार के गया छोटे से जिले में इसको लाया जाए और ये लमसम लमसम पूरे बिहार में ही अच्छा खासा फेमस हो गया। ये तो सोशल मीडिया पर अच्छा खासा फेमस है, तो इंडिया के लमसम लमसम हर लोग आते हैं, बताते हैं कि हम आपका वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आए टेस्ट किए, वो लोग बताते नहीं कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरे यहाँ मैगी का 300 अलग अलग वैरायटी है जिसमें हांडी मैगी यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस। तो 300 वैरायटी है ऐसा तो हर लोग बोलते हैं, 400 वैरायटी है, 600 वैरायटी है। आपके यहाँ कोई भी कस्टमर आएगा तो क्या 300 वैरायटी आपको मिलेगा या नहीं उनको मिलेगा? 300 का सारा अवेलेबल वैरायटी है यहाँ, सारा अवेलेबल है। जी हाँ सर, ये 2 मिनट का तो ऐसा कंपनी बोलता है, लेकिन ये 7 से 8 मिनट आप कंप्लीट एकदम टेस्टी बनाकर दे देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर वेज के अलावा नॉन वेज भी है क्या? नहीं नहीं, आप प्योर वेजिटेरियन, यानी कि हमारे जो वेजिटेरियन हमारे जो व्यूवर्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं? जी जी आ सकते हैं, ये फुल्ली एकदम 100% वेजिटेरियन है। जी हाँ, आप ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर आप खुद आप फीडबैक दीजिए। मतलब पैसा वसूल होगा? जी जी पूरा। तो चलिए, आज आपका शुभ नाम क्या हो गया? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। अंकित जी, तो आज आप ही यहाँ के ओनर हो गए ना? जी हाँ, हम यहाँ। तो आप ही यहाँ पर मतलब ये तैयार कर रहे हैं? जी जी। आप देख रहे हैं हम कि भाई सभी लोगों का एक यूनिफॉर्म है, तो मतलब आपका मतलब एक यूनिफॉर्म भी हो गया यहाँ पर? जी हाँ, देख कुछ मार्केट से कुछ हटके करते हैं, लोग फिर पहचाने कैसे कि यहाँ का इंसान है। कितना साल हो गया अभी मैगी को? 4 साल होने वाला। तो मैगी वाला कंसेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? वो अचानक से, शुरू में जब स्टार्टिंग किए थे तो सब नॉर्मली बोलते थे कि घर पे ही बना लेंगे, जो यहाँ आप 20 रुपये में स्टार्टिंग, तो हम 20 रुपये से किए थे, लेकिन सब बोले कि जो 20 रुपये आप बेचते हो हम 20 रुपये में घर पे ही बना लेंगे। तो फिर बहुत सारा शुरू में ताना ही मिला, लेकिन धीरे 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 लोगों को पसंद आने लगा, तो धीरे धीरे मार्केट। क्या बात है, लोग तो बर्गर बेच रहे हैं, पिज्जा बेच रहे हैं, कुछ का कुछ बेच रहे हैं, और आपने मैगी खिलाना शुरू कर दिया। वो खुद के उसके मैगी के साथ ऑपरेशन करते 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 बहुत कुछ मैगी के बारे में सीख गया, एक्सपेरिमेंट कर दिया, क्या आप भी नहीं सोच सकते हैं। मतलब डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक सब चीज, सब लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो अंकित जी एकदम सेटअप में रेडी है एकदम आप? जी हाँ पूरा। तो ये अभी जो हांडी है ये मिनी साइज वाला हांडी है, तो ये हांडी है, ये हांडी का साइज है ना? जी जी। तो इस हांडी में मतलब कितना मैगी आता है? 14 लाइक पैकेट आता है। अच्छा, 14 वाला पैकेट आएगा, एक पीस आएगा। क्या बात है, तो ये हांडी हमारा तैयार होगा और हांडी हमारा मैगी तैयार होगा, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी पूरी प्रिपरेशन। भाई साहब हमेशा मटन का सिंहासन होता है, आज मैगी का सिंहासन है, एकदम देसी स्टाइल वाला। ये क्या जा रहा है? तेल है। तेल है, तो कौन सा तेल यूज करते हैं आप? फॉर्चून आता है। फॉर्चूनर। ये जा रहा है भेज। अच्छा, ये सारा वेज का मतलब सारा कटा हुआ है? जी हाँ। इसमें क्या क्या है एक बार बताइएगा? प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्चा। तो ये तेल में पहले डाल देते हैं? हाँ। ये कौन सा मसाला है? ये मीट मसाला। अच्छा, मीट मसाला। ये कौन सा मसाला गया?
ये अजीनोमोटो है। अच्छा अजीनोमोटो। और ये नमक रहा। अच्छा ये नमक रहता है, मतलब एकदम खुलेआम आप चीज बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टोमेटो सॉस है। ये टोमेटो सॉस है। और ये चिल्ली सॉस है। ये चिली सॉस है। और ये गया, ये खुद का बनाया हुआ सीक्रेट सॉस है। अच्छा ये सीक्रेट वाला है, मतलब आप यहाँ पर काम गड़बड़ हो गया, अब आपको आना पड़ेगा गया। और ये रहा मैगी। ये है 14 रुपए वाली मैगी। मैं आमतौर पर मटन में हांडी में पानी नहीं जाता, लेकिन ये मैगी है भैया। मैं खाना खा के सोते तो हैं, लेकिन 2 या 3 बजे उनको फिर से भूख लग जाती है और उनको लगता है कि एक बार मैगी हो जाए। और दुकान का टाइमिंग क्या होता है? सुबह 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है, जो कि 9:30 बजे तक रहता है। तो आपके यहाँ क्या क्या मिलता है? जी हाँ, हमेशा अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपका नॉर्मल मैगी आ गया जो कि सबसे सस्ता है 40 रुपए का, उसके बाद ड्राई मैगी आएगा, मंचूरियन मैगी आएगा, पनीर मैगी आएगा, हांडी मैगी आएगा, बिरयानी मैगी आएगा, कुरकुरे मैगी आएगा, वैसे वैसे बहुत सारा मैगी। मतलब गया में लोग मैगी का मतलब लवर, मैगी के लवर बहुत है क्या? जितने मैगी लवर सब यहीं आते हैं। सब यहीं है मैगी के अलावा मेरे यहाँ सिर्फ, मतलब ये गया शहर में लमसम मेरे पास ही कलरफुल मोमोज मिलेगा, जो कि 4 अलग अलग कलर का रहेगा। लेकिन कलरफुल मोमोज? जी हाँ। तो कलरफुल मोमोज मतलब क्यों, मतलब ये सारा वेज ही होता है ना? यहाँ सारा वेज है, जिसमें एक में पनीर रहेगा, वेज रहेगा, मैगी रहेगा, सोया मैगी मोमो भी सिर्फ मेरे यहाँ मिलता है। अच्छा मैगी मोमो मोमोज? जी जी। अरे भैया मैगी में डाल के मोमोज बनाते हैं? जी हाँ। ओ भाई साहब बड़ा यूनिक है एकदम। तो खुद का ब्रांड बनाना है, इसलिए हम लोग अभी तक मेहनत कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जाते थे बिहार में, क्या बात है, लिट्टी चोखा बात है, अब मैगी भी बा। जी हाँ। क्या बात, हांडी मैगी बा। हांडी मैगी बा। ये हल्का हल्का चलाया जा रहा है। इसका क्या प्राइस होता है इस छोटे से हांडी का? ये 70 रुपए का आता है, चीज डाल के 90 रुपए का आएगा। अच्छा चीज डालकर 90 रुपए, क्या बात है भाई साहब। जो मिट्टी का स्वाद होता है उसका तो अलग ही मजा ही है, साथ में आपको हम मैगी के साथ साथ मिट्टी को चूमने का भी मौका मिल रहा है। क्या बात है, देश की मिट्टी को, देश की मिट्टी को है, हांडी के साथ ही दे देते हैं। पैकिंग वगैरह में हांडी भी है? हाँ, लमसम मेरा हांडी पैक करवाए तो 45 मिनट तक पूरा गर्म रहेगा, जितना हीट आपको यहाँ देंगे उतना हीट आपको घर पे ही मिलेगा। 9:30 बजे तक। 9:30 बजे तक। जी। जो खुशबू है ना भैया एकदम अल्टीमेट है, लगता है कि रात का 2 या 3 बज गया एकदम। ओके तो एक बार साहब, ओ ओ ओ नजदीक, ओ भाई साहब जबरदस्त। ये देखिए भाई साहब ओवरलोडेड हो रहा है हांडी, क्या बात है, मिनी हांडी विथ मिनी कल्चुल। ओ भैया क्या बात है भाई। हाँ ये जा रहा है मैगी मसाला, 2 मिनट वाली मसाला। तो अच्छा ये मसाला भी ऊपर से डालते हैं? जी हाँ। ओ भाई साहब ये देखिए एक बार, नवरात्रि के अवसर पर हमने वेज कवर आज कवर करने की कोशिश की है, थोड़ा यूनिक कवर किया है, प्यार दीजिए। 4 से 5 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा, कुछ समय लगता है, वही भूख बढ़ाता है। अच्छा और मजा आता है। वो तो बात सही बात है आपका, देख के हमको भूख सही में बढ़ रहा है, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि थोड़ा इसको जल्दी उतारा जाए सिंहासन से। बस थोड़ा क्यों भैया बात है। तो भाई साहब किस चीज का प्रतीक्षा कर रहे हैं आप यहाँ? हम तो मंचूरियन का कर रहे हैं। मंचूरियन का कर रहे हैं? इतना अच्छा अच्छा जो हांडी यहाँ सामने तैयार हो रहा है इसको छोड़ दिया आप? उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं अवेलेबल है। अरे कोई बात नहीं है, ऐसे मत बोलिए, रुलाएगा क्या रे भाई। तो कोई बात नहीं है। तो ये जो मंचूरियन है, तो मंचूरियन कितना दिन से आप खा रहे हैं यहाँ पे? हम तो कब 10 दिन से खा रहे हैं। अच्छा 10 दिन से खा रहे हैं एकदम रेगुलर? हाँ। कैसा लगता है स्वाद? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मंचूरियन तो और भी लोग खिला रहा है, ईमानदारी से बताइए कि ऐसा स्वाद और लोग दे रहा है कि नहीं दे रहा? ऐसा तो नहीं लगता हमको, पता ऐसा नहीं लगता ना। तो गया में ये जगह एकदम यूनिक है? हाँ यूनिक जगह है, एकदम यूनिक है। चलिए भाई साहब इनका मंचूरियन जल्दी तैयार करिए भाई साहब, नहीं तो ये हमारा हांडी खा जाएंगे। एक क्या तैयार हो रहा है इसमें बीच में? वो मंचूरियन रेडी, मंचूरियन। ओ भाई साहब तो सब कुछ प्रोसेस यहाँ पर आप एक स्टेप से देख सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया आपको जो फील आएगा ना भाई साहब वो इसको देख कर आएगा। और ये देखिए, ओ भाई साहब यही है वो जो आप जाते हैं मार्केट में लेने के लिए, जो है चीज। तो चीज में कंजूसी नहीं करते हैं आप? नहीं नहीं, खाने में इसके सामने पिज्जा फेल रहेगा। पिज्जा फेल है? हाँ ऑर्गेनो। अच्छा मैगी मतलब एकदम तैयार हो गया है? ओ भाई साहब, ओ हो, पूरा हमारा ये हांडी तैयार हो गया है? जी हाँ ये हांडी पूरा तैयार हो चुका है। और इस मैगी को आप 4 मिनट में कंप्लीट कर दीजिएगा तो मैगी लवर की तरफ से 1100 रुपये आपको इनाम मिलेगा। अरे भैया मतलब 4 मिनट में इसको खत्म करने में 1100 का है? जी हाँ। अरे भाई साहब बहुत लोग यहाँ से जीत के भी गए। अच्छा, गया मतलब के लोग बहुत लोग जीत के जा चुके हैं। अच्छा जा चुके हैं। हाँ। तो नवरात्र का समय अभी 1100 बनाने का समय है? हाँ हाँ, आइए शॉपिंग कीजिए, पैसा घट रहा है, मैगी खाइए, 1100 रुपए ले चले जाइए। क्या बात है भैया एकदम जबरदस्त, एकदम मतलब सॉलिड एकदम जुगाड़ है भाई। क्या भाई साहब, ओ भाई साहब मैगी वाला हांडी। और ये देखिए भाई साहब इसमें जो देने का तरीका है ना एकदम जबरदस्त, आप ऐसे मटन हांडी को नहीं उठा सकते हैं, ये बस मैगी हांडी ही हाथ में आएगा। ओ हो भाई साहब चीज़ तो देखिए क्या बात है, ये देखिए चीज़ देखिए, लेयरिंग देखिए क्या बात है भाई। थोड़ा सा हमने ऊपर उठाया
इसका थोड़ा सा जायका हम लेंगे। वैसे तो घर में मैगी हम देखते खाते हैं भैया, तो एकदम देसी स्टाइल पे खाते हैं, लेकिन भाई साहब एकदम बहुत बढ़िया खुशबू तो आ रहा है ना, एकदम अल्टीमेट आ रहा है भाई साहब। बहुत ही चीज़ी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एकदम अलग है, लेकिन हांडी वाला जो टच है वो पता चल रहा है, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट में बोल सकता हूँ भैया। ओ भाई साहब काफ़ी बढ़िया, ये जब आप मैगी को ऊपर उठाइएगा ना तो इसमें देखिए एकदम चीज़ जो है एकदम मतलब अच्छे तरीके से एकदम आपको देखने को मिलेगा। तो खैर ओवरऑल मतलब नॉनवेज के बाद जो वेज एक्सपीरियंस रहा अमेजिंग रहा अमेजिंग। लेकिन भाई साहब यहाँ पर आप आते हैं तो एक बार ये वाला जो मैगी हांडी है इसको ट्राई करिए, काफ़ी बढ़िया भाई साहब। मतलब मैं निकाल रहा हूँ ना, मुझे फील हो रहा है कितना चीज़ है बड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओ भाई साहब अल्टीमेट, तो इसको ख़त्म करने के लिए भी हमें समय चाहिए, तो ओवर करते हैं इस वीडियो को। और नवरात्रि का समय था तो सोचा आप लोगों के लिए एकदम वेज का जो आइटम है वो चीज़ दिखाया जाए, तो प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। मुझे पता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको मटन चुस्ता कलेजी यही पसंद है, लेकिन भाई साहब वेज को भी हमें आगे बढ़ाना है, और वेज का जो है ना मतलब उसका बात अलग है, और हर चीज़ व्यूज़ के लिए नहीं होता है। तो खैर प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा भाई साहब। दशहरा के शुभ अवसर पर आइए, अगर पॉकेट खाली है तो यहाँ मैगी खाइए, और वो भी 4 मिनट में इस हांडी को पूरा ख़त्म करिए और 1100 रुपया लेके जाइए। मिलते हैं एक नए से वीडियो में, ओवर करते हैं इसको। सो अमन जी आपका मैगी तो बहुत बढ़िया रहा और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस बना। 4 मिनट कंडीशन है, लेकिन उसमें ऊपर से एक्सटर्नल कुछ नहीं करना, जैसे आपको हांडी में खाने मिलेगा हांडी में ही खाना। अच्छा। आप हाथ से खाइए, चम्मच से खाइए। अच्छा मतलब हाथ यूज़ कर सकते हैं। हाँ। अच्छा मतलब ये कंसेप्ट कहाँ से लाए, मतलब ये चैलेंज वाला कंसेप्ट कहाँ से लाए? ये देखे कि लोग सबका सोशल मीडिया पर जान ही रहा है कि सबका देखते हैं, तो देखे कुछ अपना यूनिक करे, यूनिक करे तो देखे कुछ हांडी में। अभी तक कोई जीता है कि नहीं जीता है? 7 लोग जीत चुके हैं। 7 लोग जीते हैं, और भीड़ दिखा दूँ, लोग यहाँ पर अभी आना शुरू हो चुके हैं गाइस। तो एक अच्छा ओवरव्यू हमारा रहा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहा, तो रिकमेंडेड सजेशन फॉर यू अगर आप कहीं से भी हैं। सो विजिट वन टाइम